हेलो गाइस, मैं हूं ऋतिक। मेरा यूट्यूब चैनल भाई कुंदन गैंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आप जब भी घर से बाहर जाओ तो अपने घर में विराजमान भगवान से मिलकर जाओ, और जब भी घर में वापस आओ तब भी उनसे जरूर मिलो, क्योंकि उन्हें भी तो आपके आने का इंतजार रहता है ना। आजकल जितना प्यार बच्चे अपने माँ बाप को टिकटॉक पर दिखाते हैं ना, उतना यदि असल में कर ले तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। कड़वा है लेकिन सच है। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वो आपको मतलब ही समझने लगे। दुख भोगने वाला एक दिन सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। ये झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भगवान भी तो नहीं मिले, लेकिन हमने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती हैं, अब दुनिया कहती है कि बातें भूलना सीखो। अब आप ही बताओ कि क्या करें। पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया जहर हजारों रिश्तों को मार देता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। कुछ लोग अच्छी जगह की तलाश करते हैं और कुछ उस जगह को अच्छा बना देते हैं जहां वो रहते हैं। किसी पर दोष लगाकर हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी तभी रहेंगे जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे।